क्या अनुभव आपके रहे ब्लू स्पोर्ट्स के साथ, और किस उत्साह के साथ आपको लगता है कि ब्लू स्पोर्ट्स के बच्चे पढ़ते हैं, और उनका क्या खास परिणाम है, कुछ बताइए आप। श्योर सर, ब्रिज कोर्स जैसा कि सर आपने ऑलरेडी इसकी भूमिका के बारे में बताया कि किसी भी कोर्स को शुरू करने से पहले सिविल समूह में प्रबंधन मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है, आईटी की पढ़ाई होती है, कॉमर्स की पढ़ाई होती है, किसी भी कोर्स को शुरू करने से पहले हम जो ब्रिज कोर्स का जो शुरुआत करते हैं ये एक फाउंडेशन के रूप में कार्य करता है। और जैसा कि हमारा पिछले कई सालों का अनुभव रहा है और हम इस क्षेत्र में डेफिनेटली एक इनोवेटर रहे हैं, क्योंकि इससे मैं पहला कॉलेज था पूरे बिहार राज्य में, मैं तो देश में कहूंगा, जहां पे किस प्रकार के कोर्सेज को शुरू करने से पहले ब्रिज कोर्स की पढ़ाई कराई जाती है। और शुरू के जो 3-3.5 महीने होते हैं ये जो रिगरस तैयारी होती है, क्योंकि ब्रिज कोर्स के दौरान सर यूनिवर्सिटी कोर्स, छात्रों के लिए मैं बताऊँ, यूनिवर्सिटी कोर्स की पढ़ाई उस वक्त नहीं होती है, यूनिवर्सिटी कोर्स की पढ़ाई करने के लिए आपको तैयार किया जाता है। होता यह है कि सिमेज में जो 4,500-5,000 छात्र नामांकन के लिए आते हैं, इसमें से हम सेलेक्टेड छात्रों का नामांकन लेते हैं। अब ये जो छात्र होते हैं कोई सीबीएसई बोर्ड के होते हैं, कोई आईसीएसई बोर्ड के होते हैं, कोई बिहार बोर्ड के होते हैं, स्टेट बोर्ड के होते हैं, दूसरे बोर्ड के भी होते हैं, सरकारी विद्यालय से भी पढ़े हुए छात्र होते हैं जिनको बहुत अच्छा एक्सपोजर नहीं मिलता। अब ये सारे छात्र जब एक साथ यूनिवर्सिटी कोर्स की पढ़ाई शुरू करेंगे, और अगर हम शुरू कर दें तो ये रिसेप्टिव मोड में सही तरीके से नहीं होते। यही पर की पढ़ाई कराते हैं जी सर, आपका क्लासरूम के अंदर किस तरह की एक्टिविटीज होती है, क्या करते हैं आप? एक गजब सी ऊर्जा भरी रहती है क्लास में, क्योंकि एनर्जेटिक होना बहुत जरूरी होता है, छात्र ऊर्जा से भरे हुए होते हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय कॉलेज कोर्स का उनकी पहली पढ़ाई होती है, कॉलेज आने का सपना उनका पूरा होता है, कॉलेज की पहली पढ़ाई होती है। रोज जो 6-7 घंटे 5-6 घंटे ब्रिज कोर्स की पढ़ाई होती है, इसमें हमारा ज्यादा तो फोकस, क्योंकि मेरा डोमेन, मेरी एक्सपर्टीज इंग्लिश कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, और मेरे साथ आनंद सर होते हैं, संजना मैम होती हैं, नीतीश सर होते हैं, और हम और अदान सर वगैरह भी होते हैं, क्योंकि इंग्लिश पढ़ाने की जो विधि है, जो सीमित समूह में रही है, हमारी जो टीचिंग पेडागोजी है वो है बहुत ज्यादा एक्सपोजर देना। चाहे हम अखबार पढ़ने की बात करें, चाहे हम वीडियोस को देखने की बात करें, चाहे हम इंग्लिश कमेंट्री सुनने की बात करें, ये तमाम एक्सपोजर, चाहे हम पढ़ने की बात करें, रीडिंग प्रैक्टिस की बात करें, ये तमाम एक्सपोजर छात्रों को शुरुआत के जो 3 महीने होते हैं ब्रिज कोर्स के, उसमें बहुत जम के एक्सपोजर दिया जाता है। कई बार बच्चे ऐसा कहते हैं जी, कई बार बच्चे कहते हैं कि सर मैं कहीं स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कर रहा हूं, तो मैं वो कर लूंगा और फिर मैं बाद में आऊंगा। ये केवल स्पोकन के बारे में नहीं है सर, ब्रिज कोर्स जो है ये केवल स्पोकन इंग्लिश की बात पढ़ाई नहीं हो रही है, और यहाँ केवल कॉपी कलम पर नहीं लिखाया जाता है, इन्वॉल्वमेंट जिसकी हम बात करते हैं सर, इंग्लिश बोलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इन्वॉल्वमेंट, और ब्रिज कोर्स के दौरान 3 महीने के भीतर छात्रों को वो इन्वॉल्वमेंट मिलता है। ये जो 60 बच्चों का समूह होता है पहले बैच में या किसी भी बैच में ब्रिज कोर्स की जब पढ़ाई होती है, तो ये पूरा गोल हम स्क्रैच से शुरू करते हैं। सबसे पहली खास बात ये होती है, हम किसी भी चीज की शुरुआत जीरो लेवल से करते हैं, और हमारी क्लास की शुरुआत ही होती है कि अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर है कि नहीं, क्योंकि हम ये सोच के पढ़ाते ही नहीं है कि आप ग्रेजुएशन लेवल में आ गए हैं और ग्रेजुएशन के ऊपर की पढ़ाई हम आपको कराएं, हम वो नहीं कराते हैं, क्योंकि हम तो फाउंडेशन मजबूत कर रहे हैं। हमारी पूरी पढ़ाई का सर उद्देश्य ये होता है कि 3 महीने के बाद जब यूनिवर्सिटी कोर्स की पढ़ाई होगी, और जब जो हमारे जो लेक्चरर्स हैं, हमारे जो प्रोफेसर हैं, जब वो क्लास में लेक्चर को डिलीवर करेंगे, तब बच्चे उनके लेक्चर को सुन पाएं, समझ पाए, इंग्लिश में नोट्स बना पाए, उनको वोकैबुलरी की प्रॉब्लम नहीं हो, उनको स्पेलिंग की प्रॉब्लम नहीं हो, वो किताबों को पढ़ सके, क्योंकि जिन किताबों को उनको पढ़ना है, अगर मैं किसी छात्र को इमेजिन कीजिए सर, मेरा इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड नहीं है, अगर आप मुझे इंजीनियरिंग की किताब दे देंगे तो मैं उसको पढ़ के समझ ही नहीं पाऊंगा, क्यों? क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नहीं है। तो ये जो ब्रिज कोर्स के दौरान हम जो कोशिश करते हैं, इनफैक्ट नीरज मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगा कि जो भी मैंने जितना अनुभव हुआ है, जितने मैंने शिक्षकों से बात की है पूरे राज्य में जी, अधिकांश जो अंग्रेजी सिखाने वाले संस्थान जिस तरह के जो होते हैं, वहां पर मैंने देखा है बच्चों को ग्रामर दिए किस प्रैक्टिस कराई जाती है, या ग्रामर सिखाया जाता है, स्ट्रक्चर सिखाया जाता है, ट्रांसलेशन सिखाया जाता है, और मेरा अनुभव ये है कि अगर आप छात्र को ग्रामर, स्ट्रक्चर, ट्रांसलेशन सिखा देंगे, जो कि वो छात्र अपने स्कूल की पढ़ाई में लंबे समय से सीख रहा है, करता रहा है, क्लास 4th-5th से ग्रामर की पढ़ाई बिहार के स्कूलों में शुरू होती है, सीबीएसई वगैरह में पहले शुरू हो जाती है, तो ग्रामर वो इतने सालों से पढ़ रहा है, 12th तक उसको ग्रामर पढ़ना है, और वो इतने सालों से ग्रामर पढ़ने के बावजूद अगर उसके व्यक्तित्व में, उसके स्किल सेट के लेवल पर अगर उसको कोई एक्सपर्टीज डेवलप नहीं हुई है, वो अगर वो 2 महीना कहीं पे ग्रामर पढ़ लेगा और उसकी अंग्रेजी एकदम काम लाइक हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, ऐसा शायद संभव नहीं होगा, ऐसा संभव नहीं होगा। ग्रामर सीख जाता है, वो एक अलग गोल है, लर्निंग ग्रामर इज अ डिफरेंट गोल, बट देन गेटिंग स्किल सेट, गेटिंग एक्सपर्टीज इन द इंग्लिश लैंग्वेज, that remains a distant dream. That is true, because our objective is that we should be able to make them speak in English. That is the skill set.